न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानकापुर में चाकू की नोक पर कैब चालक को लूटा, झुलसने से हुई मौत, बदरीले मौसम का तुअर पर मार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ओला एप्लीकेशन पर कैब बुक करके एक युवक सहित दो महिलाओं ने चालक के साथ मारपीट की और चाकू की नोक पर उसे लूट लिया। पुलिस ने उत्थान नगर मानकापुर निवासी करण केशर और पुनकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। करण ओला कैब चलाते हैं। रविवार की रात 11 बजे के दौरान उन्हें महल के आयचित मंदिर से सोमलवाड़ा जाने के लिए बुकिंग मिली। करण आयचित मंदिर पहुंच गए, वहां से एक युवक और दो महिलाएं गाड़ी में सवार हुई। टुकड़ों जी पुतला की ओर जाते समय युवक ने अपने बताए हुए मार्ग से चलने को कहा। करण ने मैप के अनुसार ही चलने की बात कही। इस बात से तीनों चिढ़ गए। कैब में सवार युवक शराब के नशे में था, उसने करण का मोबाइल तोड़ दिया। तीनों ने करण के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। शताब्दी चौक पर गाड़ी रोककर आरोपी युवक ने चाकू निकाल लिया, डरा धमका कर करण की जेब से 2000 रुपए निकाल लिए, जान से मारने की धमकी देकर सोमलवाड़ा छोड़ने को कहा। तीनों को सोमलवाड़ा छोड़ने के बाद करण ने अजनी पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। अगली खबर। न्यूकांठी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने घर में बुरी तरह झुलस गया। मृतक लीगांव निवासी उमेश शंकर बोरकर बताए गए। विगत 3 जनवरी की शाम उमेश अपने घर में झुलस गया। बुरी तरह जख्मी होने के कारण परिजनों ने उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी, इसीलिए पुलिस बयान भी दर्ज नहीं कर पाई। मंगलवार को तड़के 5:30 बजे के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल पुलिस बूथ से मिली जानकारी के आधार पर कामठी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। अगली खबर। विगत 3 दिनों से बदराए मौसम व सर्दी के बढ़ते प्रभाव के कारण मानवीय जीवन के साथ ही फसलों पर भी इसका विपरीत परिणाम पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से बदराए मौसम व छिटपुट बारिश के चलते खेतों में काट कर पड़ी तुअर खराब हो चुकी है। वहीं कटाई की बाढ़ जो रही खेतों में खड़ी तुअर पर कीट का प्रकोप बढ़ने लगा है। कल परसों से जारी इस मौसम के बदले तेवरों से कहीं झमाझम तो कहीं ओलों की मार, वहीं कुछ जगह बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आई बरसात ने भारी क्षति पहुंचाई है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यही विराम देते हैं। बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।